धौलपुर जिले के बाड़ी रोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज से देर रात को चोरों ने बिल्डिंग मटेरियल का सामान चुरा लिया। चोरी होने के बाद सुरक्षा गार्ड धर्मवीर पुत्र विजय सिंह ने कोतवाली थाने को सूचना दे दी। रविवार सुबह सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए, जहां चोरी का शक मजदूरों पर जाने पर पुलिस ने सभी मजदूरों को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के रहने वाले 3 मजदूरों ने चोरी करने की वारदात कबूल कर ली। कोतवाली थाना प्रभारी गौतम ने बताया कि पूछताछ के दौरान बबलू पुत्र याद राम खटीक उम्र 29 वर्ष, रतिराम पुत्र महेश चंद्र साग के उम्र 43 वर्ष और नवाब शरीफ पुत्र अजीमुल्ली उम्र 23 वर्ष ने चोरी की वारदात को कबूल करते हुए चोरी किए गए माल को चंबल गार्डन में छिपाना बता दिया, जिस पर थाने के ASI मोहन मीणा को 3 मजदूरों के साथ चंबल गार्डन भेजा गया, जहां से मजदूरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई एल्युमिनियम की हालसिंग ग्रिल को बरामद कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी किए गए माल की बरामदगी होने के बाद 3 मजदूरों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन था उसके अंदर फॉल्स सीलिंग का काम चल रहा था, उसका सामान और एल्युमिनियम के कुछ पार्ट्स चोर चोरी करके ले गए थे। इसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया था और यूपी के रहने वाले लोग थे, नवाब, रतिराम, बबलू वगैरह, इनको इसमें प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने RTO चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक चालकों से लूट की घटना को अंजाम दिया था। एक बदमाश को पुलिस ने 100 फुटा रोड से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शुदा बदमाश की निशानदेही पर दूसरे बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। कोतवाली थाना SHO गौतम ने बताया कि मार्च का क्लोजिंग का महीना होने के कारण RTO चेक पोस्ट पर लगातार नाकाबंदी जारी है। नाकाबंदी के दौरान बड़े वाहनों की लंबी लंबी कतारें आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर लग जाती हैं। बाहर की गाड़ियों को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। ट्रक चालक ने स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस के समक्ष लूट का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में स्थानीय पुलिस ने रविवार को सादर बदमाश आशीष और भंडारी पुत्र गंभीर सिंह गुर्जर निवासी गुर्जर कॉलोनी को 100 फुटा रोड से गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने सागरपाड़ा RTO चेक पोस्ट पर लूट की घटना को भी स्वीकारा था। गिरफ्तार शुदा बदमाश की निशानदेही पर लूट की वारदात में शामिल रहे दूसरे बदमाश योगिंदर पुत्र इंदर बरेंडा थाना इलाका नूराबाद जिला मुरैना मध्य प्रदेश को भी गिरफ्तार किया है। वारदात के उपयोग में की गई गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वारदात में शामिल रहे अन्य बदमाशों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। RTO चेक पोस्ट के पास में मार्च महीना होने के कारण चालान की कार्रवाई की जा रही है। इस कारण काफी लंबी जाम लगा रहता है और लोग साइड में अपने वाहन करके खड़े रहते हैं। जहां बाहर की गाड़ियों को देख करके इस क्षेत्र के बदमाशों ने ट्रक वालों से लूटपाट की थी। प्रकरण दर्ज करने के बाद आशीष उर्फ भंडारी गुजर कॉलोनी का रहने वाला कट्टे के साथ पकड़ा गया, जिससे पूछताछ में मालूम हुआ कि उसके साथ अन्य लोगों ने मिलकर के वारदात की थी, जिस पर ग्लेंजा कार थी जो उसमें ट्यूट की गई थी और योगेंद्र नामक बदमाश जो नूराबाद का इलाके का रहने वाला था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो अन्य साथी हैं इनके, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के श्रृंखला में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में आज जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाजम बैठक एवं महिला चौपाल आयोजित की गई। इस मौके पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं यथा स्वच्छ भारत कार्यक्रम, प्लास्टिक उपयोग न करना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उड़ान योजना, पालनहार योजना, मिशन जीवन रक्षक पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही महिलाओं के गीत संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सभी कार्यक्रमों में विभाग इन बैठकों में विभाग की महिला पर्यवेक्षक, पूर्व प्राथमिक शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, स्थानीय ग्राम पंचायत की महिलाओं ने भाग लिया। विभाग की इन बैठकों का उद्देश्य समाज में महिलाओं के संबंध में चर्चा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रभावी सहभागिता कराना है, ताकि महिलाएं स्वयं के मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। इनामी डकैत केशव गुर्जर की धरपकड़ के लिए जिले की DST टीम, QRT टीम के साथ विभिन्न पुलिस थानों की टीम ने संयुक्त चंबल के बीहड़ों के साथ जिले भर के संदिग्ध ठिकानों पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी। तसीमो गांव के पास ईंट भट्टा संचालकों को रंगदारी वसूलने की धमकी देकर फिर से डकैत केशव गुर्जर ने पुलिस तंत्र को चेतावनी दी है कि 2 दिन पूर्व डकैत केशव गुर्जर ने तसीमो एवं कुमेरी गांव के पास स्थित ईंट भट्टा संचालकों को रंगदारी वसूलने की धमकी दी थी। डकैत की धमकी का ऑडियो वायरल भी हुआ था।
SP शिवराम मीणा ने बताया, मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को जिला पुलिस ने दुर्धात अपराधी केशव गुर्जर की धरपकड़ के लिए सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। पुलिस द्वारा चंबल के बिहड़ों के गांव सोने का गुर्जा, कुदिन्ना धूम का बाबू, बरेंट सायपुर के साथ बसेड़ी थाना क्षेत्र के ममोधन रतनपुर नगला राय गीत के अलावा नादनपुर थाना क्षेत्र के डांग इलाके में अपराधी के संबंधित स्थानों पर दबिश दी गई। दिन भर चले सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी है। SP मीणा ने बताया, पुलिस की करीब आधा दर्जन टीमें अपराधी के संबंध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। डकैत केशव गुर्जर के खिलाफ धौलपुर जिले में संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उन्होंने बताया, मुखबिर तंत्र को मजबूत कर एवं तकनीकी यंत्रों के माध्यम से डकैत केशव गुर्जर को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में किया जा रहा है। रविवार को NSS शिविर के पांचवें दिन स्वयं सेवियों छात्राओं ने नशा मुक्त संस्कार युक्त अभियान के तहत स्कूल से राधा बिहारी मंदिर एवं रानी पैलेस होते हुए बाजार में रैली निकाली। इस दौरान लोगों को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर जागरूक किया, साथ ही साथ स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। वहीं बौद्धिक सत्र में आकस्मिक निरीक्षण करने आए अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र भानु ने कहा कि एक स्वस्थ समाज के लिए निर्माण के लिए नशे का बहिष्कार करना जरूरी है। उन्होंने बालिकाओं से शिविर में सीखे गए ज्ञान के बारे में जानकारी ली और कई प्रेरणादायक बातें बताई। उन्होंने बालिकाओं को भोजन आदि की व्यवस्थाओं को देखकर खुशी व्यक्त की एवं रिकॉर्ड में सुधार कर संधारण करने के निर्देश दिए। शिविर में राज्य अवार्डी शिक्षक भगवान सिंह मीणा ने स्वयं सेवियों को कई खेल खिलाए एवं निदान लगवाकर राष्ट्र के विकास में भागीदारी संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेल और योग के जरिए स्वस्थ रहा जा सकता है। शिविर प्रभारी शालिनी श्रीवास्तव एवं शैलेंद्र दीक्षित ने संभागियों को निबंध प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान, साफ सफाई कार्य करवाकर शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर हयात मिर्जा, द्वितीय स्थान पर काजल एवं तृतीय स्थान पर गरमा ने प्राप्त किया। जीतने वाली बालिकाओं को शिविर समापन कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर व्याख्याता सुनीता गोगना, DEO कार्यालय के मनोज कुमार एवं अन्य मौजूद रहे।